कांग्रेस मैदान छोड़ रही है। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उन्होंने अपने को लगा कि आसन्न हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला, उनको लगा कि हार का ठीकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उन्होंने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी, और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो, कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती है तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फार्म का सेट भरेगा, दूसरा फार्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फार्म पे, पहले फार्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा, और हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये बात उसी प्रकार से दिखाती है जिस प्रकार से यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की हवा चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है, और हमने सबने देखा है क्या कमलनाथ जी और क्या दिग्विजय सिंह जी, सबकी सिट्टी पिट्टी घूम है। एक ने तो मैदान छोड़ ही दिया, उनके हालत खराब है। दूसरे भी पैदल पैदल घूम करके भोपाल से लड़ने के बजाय उनने एक तरह से पहले अपना मैदान छोड़ा और अब हार से बचने के लिए 400 उम्मीदवार खड़े कर लो, कुछ और कर लो, ये पहले से जीतेंगे, ये सारे बहाने चालू कर दिए, जिसके आधार पर इनको लग रहा है कि आसन्न हार से बचने वाले नहीं है आज के अवसर पर। लेकिन हमको सावधान रहना है, दुश्मन बहुत चालाक है, वो झूठ बोलता है, चालाकी करता है, और चालाकी होने के साथ साथ चुनाव के मामले में हम तो सूचना की बात करते हैं, लेकिन वो सब कुकर्मी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम और आप सजग रहेंगे तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 में 27, 2019 में 28, और अब की बार हम अपनी 29 बार करेंगे, तो अब की बार 400 बार देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अब की बार 29 बार निश्चित हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।